Everybody sing that shit. नमस्कार दोस्तों, मैं हूं जतिन पटेल और आप देख रहे हैं हमारे YouTube चैनल ऑनलाइन ट्रिक्स एंड ऑफर्स। दोस्तों, WhatsApp की DP कोई ना कोई चेंज करता रहता है। आप भी WhatsApp चलाते हैं तो आप DP हर रोज चेंज करते होंगे, मगर दोस्तों WhatsApp की DP में आपको एक दिक्कत आती होगी, आप अपने फुल फोटोज नहीं रख सकते। मैं आपको यहाँ पे दिखाना चाहूँगा। WhatsApp ओपन करता हूँ और यहाँ पे अपनी सेटिंग्स में जाता हूँ और यहाँ पे प्रोफाइल पे क्लिक करता हूँ। यहाँ पे मैं अपनी एक DP रखना चाहूँगा, जैसे मान लो यहाँ पे मैं एक DP रखता हूँ, ये DP मैं यहाँ पे सेट करता हूँ। मगर दोस्तों आप जानते होंगे कि इतनी DP यहाँ पे सेट नहीं हो पा रही है। आप देख सकते हैं यहाँ पे ऊपर का छूट जा रहा है या फिर नीचे का छूट जा रहा है, आप कोई भी यहाँ से सेट नहीं कर पाते हो। उसके लिए आज मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा कि कैसे आप अपने फुल फ़ोटो को DP में लगा सकते हो। WhatsApp की इस नई ट्रिक के बारे में आपको इस वीडियो के अंदर में बताने वाला हूं। तो दोस्तों आपको करना क्या होगा, आपको वीडियो लास्ट तक देखना है, एंड तक देखना है। समय नहीं करते, वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि ऐसे वीडियोस मैं आपके लिए लाते रहता हूँ। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों आपको यहाँ पे एक एप्लीकेशन डाउनलोड करनी पड़ेगी जिसका नाम है नो क्रॉप। तो दोस्तों हम लोग यहाँ पे एप्लीकेशन को ओपन करेंगे तो आपको यहाँ पे ऐड फोटो पे क्लिक करना है और यहाँ पे परमिशन को अलाउ करना है पहले। तो ऐड फोटो पे हम लोग क्लिक करेंगे और हमारी गैलरी से कोई भी एक फ़ोटो क्लिक कर लेंगे। तो मान लो दोस्तों मैंने इस फोटो को सिलेक्ट कर लिया है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे बैकग्राउंड ब्लर हो चुका है और यहाँ पे क्रॉप करने का कोई चांसेस नहीं, यहाँ पे सीधे ही क्रॉप हो चुका है और यहाँ पे फुल स्क्रीन फोटोज़ आ चुके हैं। आप चाहे तो यहाँ से ब्लर चेंज कर सकते हैं, ब्लर ज़्यादा बड़ा करना चाहते हैं वो कर सकते हैं, यहाँ पे पिक्सल पे चेंज करना चाहते हैं वो कर सकते हैं, कलर्स आप यहाँ से चेंज करना चाहते हो वो कलर्स भी यहाँ से हम चेंज कर सकते हो, आपको जो कलर अच्छा लगे वो कलर यहाँ से सेट कर सकते हो। उसके बाद जो आपको रोटेट का ऑप्शन मिलता है, आप रोटेट भी कर सकते हो इमेज को। बैकग्राउंड यहाँ से आपको चेंज करना चाहते हो वो बैकग्राउंड भी यहाँ से चेंज कर सकते हो, आपको जो बैकग्राउंड चाहिए वो यहाँ से चेंज कर सकते हो। उसके बाद जो मैं आपको यहाँ पे सेव का ऑप्शन मिलेगा, आप चाहे तो टैक्स भी लिख सकते हैं, स्टिकर्स आपको यहाँ लगाना चाहते हो तो स्टिकर्स भी आप यहाँ से लगा सकते हो कुछ इस तरीके से। तो दोस्तों है ना कमाल, आप यहाँ से स्टिकर्स का भी यूज़ कर सकते हो। दोस्तों यहाँ पे आपको सेव का ऑप्शन मिलेगा, आप यहाँ से डायरेक्टली उसको सेव कर सकते हो सेव इमेज पे। तो दोस्तों आपको अभी करना क्या होगा, आपको यहाँ पे डायरेक्टली व्हाट्सएप में जाना है वापस। दोस्तों हम लोग यहाँ पे सीधे व्हाट्सएप को ओपन करेंगे, सेटिंग्स में जाएंगे और यहाँ पे प्रोफाइल पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे जो पेंसिल बनी हुई वहाँ पे क्लिक करेंगे, गैलरी सिलेक्ट कर लेंगे और हमारी जो फ़ोटो यहाँ पे सेव हुई है उसके ऊपर क्लिक करेंगे। तो यहाँ से फ़ोटोस पर क्लिक करेंगे और यहाँ से सिलेक्ट कर लेंगे। तो दोस्तों हमारी फ़ोटो यहाँ पे सिलेक्ट हो चुकी है, आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने प्रोफाइल पिक लगा दी है, आप देख सकते हैं कुछ इसी प्रकार आपको भी करना है। तो दोस्तों कैसी लगी ट्रिक आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ऐसी वीडियोस मैं आपके लिए लाता रहता हूँ। तो दोस्तों नेक्स्ट वीडियो वापस मिलेंगे। जय हिंद, वंदे मातरम।